के द्वारा सघन पर्यवेक्षण, सघन निरीक्षण सभी धान क्रय केंद्रों का किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई अवसर पर किसी भी केंद्र से ना आए, ठीक है। और सत्यापन और पंजीकरण का जो जो कार्रवाई, जो जो गतिविधि होनी है उसको तत्काल तेजी से सभी एसडीएम सुनिश्चित करेंगे कि चलिए, और बाकी सब जा सकते हैं। और अगर सीड्स की बुआई हो सकती है, क्योंकि बनानी में लोगों को ऐसा लगेगा ना कि गेहूं की हम बुआई कैसे करें, हैप्पी सीडर जो है वो खड़ी फसल में, उपनिदेशक कृषि साहब बता रहे कि वो खड़ी फसल में भी जवाब जो है वो होने चाहिए, आप उनको उपाय भी बता सके, पर किसी भी हाल में पराली नहीं जलनी है और हर इंडिविजुअल केस में मुकदमा दर्ज हो रहा है। 3 1 7 1 6 अभी हम आपको जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये सारी चीजें जो जितने पेपर हैं ये हम इस तरह से सीओ एसडीएम को और तहसीलदार तहसीलदार को भी पत्र जारी करवा दिया। अब संवेदनशीलता बस यही है कि सर 1 वीक का है सर, पिछले वर्ष तो उनका जो सैटेलाइट था वो 30 नवम्बर